फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शिव भक्त बेहद खास मानते हैं। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, किंतु महाशिवरात्रि साल में एक बार तो वही शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन को श्रद्धा भाव और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था, ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और न अनंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। दूसरी मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव 64 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनमें से हम केवल 12 स्थानों के नाम जानते हैं, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी जानते हैं।